गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज लेट्स कुक विद अप्रीन में हम बनाएंगे एक आइसक्रीम, और ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है आइसक्रीम की। सेम टू सेम बास्किन रॉबिन्स टाइप बनेगी आइसक्रीम। तो आइए हम इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप मिल्क, ये कच्चा दूध है, हमको बफेलोज मिल्क यूज करना है, काओ मिल्क भी नहीं चलेगा, थैली का दूध भी नहीं चलेगा, गुड होलसम रॉ मिल्क चाहिए इसमें, मतलब कच्चा भी होना चाहिए और बफेलो मिल्क होना चाहिए विद मलाई, और ये कच्चा दूध है, इसे बॉईल नहीं करना। यहाँ पर मैंने लिया है मिल्क पाउडर, मिल्क पाउडर लिया है 1/4 कप, मिल्क मेड लिया है 1/2 कप, और ये है वेनीला एसेंस जो हम यूज करेंगे क्योंकि मैं वेनीला आइसक्रीम बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगी मिल्क, और हाँ मैंने क्रीम बीट करके रखा है, ये है विप क्रीम। तो मैंने 1 कप विप क्रीम लिया था और उसको मैंने बीट किया तो ये डबल द क्वांटिटी हो गया, यानी 2 कप्स हो गया है विप क्रीम। तो ये वही क्रीम है जो हम केक की आइसिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो इसको बीट करना है अच्छे से, आप लोग देख सकते हैं कि कैसे अच्छे से बीट हो चुका है ये, और इसको यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैंने लिया है मिल्क, इसमें हम ऐड करेंगे मिल्क पाउडर, 1/4 कप मिल्क पाउडर, और मिल्क मेड ऐड करेंगे 1/2 कप, और अब हम ऐड करेंगे वेनिला एसेंस 1 टीस्पून। तो ये सब मेजरिंग कप्स और स्पून्स होना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप मेजर करके लोगे तो ही परफेक्ट आइसक्रीम बनेगी। तो केक्स एंड आइसक्रीम में मेजरमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और अब हम इसे एग बीटर से बीट करेंगे ताकि ये सब अच्छे से मिक्स हो जाए, ज़्यादा बीट नहीं करना, 1 to 2 मिनट्स अच्छे से मिक्स हो जाने तक। तो अब ये मिक्सचर के अंदर हम विप क्रीम ऐड करेंगे, मिल्क पाउडर ऐड करने से, आइसक्रीम के अंदर मिल्क पाउडर ऐड करने से क्या होता है कि जो आइसक्रीम है वो जल्दी मेल्ट नहीं होगी, अच्छे से सेट हो जाएगी। और आपको एक और बात का ध्यान देना है कि जो भी आप वेसल्स यूज़ कर रहे हो या जो भी इंग्रेडिएंट्स, स्पून्स, जो भी यूज़ कर रहे हो आप बीटर, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। पानी अगर होगा ना तो आपके आइसक्रीम में आइस आइस जमा हो जाएगी, जैसे होता है ना कि कभी घर के आइसक्रीम में आइस जमा होती है, तो वो हमको नहीं अच्छी लगेगी, इसलिए ध्यान देना कि पूरा ड्राई होना चाहिए। अब इसको मैं कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स कर रही हूँ, ऐसे कट्स करके इसको फोल्ड कर रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये पूरा अच्छे से मिक्स हो चुका है, एज यू कैन सी। इसको स्पैटुला से ही मिक्स करना है, बाद में हमें बीटर नहीं चलाना। अब इसको मैं फ्रीज़र में सेट करने रखूँगी फॉर 3 to 4 आवर्स, और 4 आवर्स के बाद इसे मैं फिर से एक बार बीट करूँगी। यहाँ पर मैंने लिया है केक टिन, आप कोई प्लास्टिक कंटेनर भी ले सकते हो, मैंने केक टिन इसलिए लिया है
एल्यूमिनियम में आइसक्रीम और अच्छे से जम जाती है। और अब मैं इसमें सेट करके 4 आवर्स इसे फ्रीजर, तो आप लोग क्वांटिटी देख सकते हो, ये इतना मेरा टिन है, कितनी सारी क्वांटिटी में बनी है। मिल्क हमने 1 कप लिया था कच्चा दूध, और हमारा क्रीम भी बीटन था, तो बहुत ही कम क्वांटिटी से हमने स्टार्ट किया और आइसक्रीम एकदम डबल क्वांटिटी में बन गई। तो अब इसे फ्रीजर में सेट होने रख दूंगी, इसको कवर कर लूंगी क्लिंग फिल्म से अच्छे से, और फिर हम इसे सेट कर दें। तो ये है मेरा बेस, मैंने बोला था कि इसको सेट करना है, तो ये सेट हो चुका है। इसको 5 आवर्स हो चुके हैं, वैसे तो आप 3 to 4 आवर्स में भी इसे ये कर सकते हो। तो अब मैं इसे फिर से एक और बार बीट करूंगी, तो एल्यूमिनियम में बहुत अच्छा सेट हो गया है 5 आवर्स में। एज यू कैन सी काफी अच्छा सेट हो गया है ये। तो हम इसे फिर से एक बार अराउंड 5 मिनट्स खाली बीट करना है। ये इसलिए हम लोग करते हैं ताकि कोई आइस क्रिस्टल्स नहीं फॉर्म हो, इसलिए हम लोग इसे दोबारा से बीट करते हैं, और फिर हम इसे अराउंड 7 to 8 आवर्स सेट करने रख देंगे, या फिर पूरा ओवरनाइट सेट करने रख देंगे, और नेक्स्ट डे आपकी आइसक्रीम जो है वो रेडी हो जाएगी। और ये आइसक्रीम सेम टू सेम बास्किन रॉबिन्स टाइप लगती है, तो आप लोग ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये आइसक्रीम कैसी लगी। और अगर आप लोगों को दूसरे फ्लेवर्स की चॉकलेट आइसक्रीम या ऐसे कोई फ्लेवर्स की भी चाहिए रेसिपी, तो मुझे कमेंट में बताना, मैं और रेसिपी शूट करूँगी। तो अब मैंने पूरी आइसक्रीम बाउल में निकाल ली है और हम इसको बीट करें। तो अब ये बीट हो चुका है, फिर से मैं इसे केक टिन में ही डाल रही हूँ। आप कोई भी कंटेनर में डाल सकते हो, बट मेरे को इसमें, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि एल्यूमिनियम इज बेस्ट फॉर आइसक्रीम्स, फॉर सेटिंग आइसक्रीम्स। तो इसलिए अब मैं इसको ओवरनाइट सेट कर दूंगी और नेक्स्ट डे मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसी मेरी आइसक्रीम सेट हुई है। तो यहाँ पर वो आइसक्रीम का जो डेजर्ट मैंने बोला था वो बताने के लिए, यहाँ पर मैंने आटा लिया है, ये वही आटा है जो हम रोटी बनाते हैं, नॉर्मल गेहूँ का आटा जिसमें हम रोटी बनाते हैं। तो इस आटे के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ तिल, अराउंड 2 टीस्पून जितने तिल मैंने ऐड किए हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आपने वो नाम सुना होगा शायद, वेनिला आइसक्रीम विद हनी फ्लैट नूडल्स, इट इज़ अ चाइनीज डेजर्ट। चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में अगर आप जाओगे तो आपको पता होगा, काफ़ी लोगों को ये डेजर्ट नहीं पता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक यूनिक डेजर्ट है, बहुत ही टेस्टी लगता है, तो मैं आप लोगों को भी बताऊं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से तिल मिक्स कर दिए हैं और फिर मैं इसको बेल के इसकी थिन स्ट्रिप्स कट करूँगी। ये रेडी हो गया हमारा तिल वाला आटा। यहाँ पर मैं अभी ये आटा जो हमने बनाया था उसकी एक रोटी बना रही हूँ, इसकी पतली सी रोटी बनाना है, बहुत पतली, क्योंकि हमको थिन क्रिस्प स्ट्रिप्स काटने हैं इसके। कि इस पे पूरे तिल भी दिख रहे हैं। अब हम इसके थिन थिन स्ट्रिप्स कट करेंगे इस तरह से। इसे इस तरह से डीप फ्राई करना है टिल गोल्डन ब्राउन एंड क्रिस्प। तो ये हमारी आइसक्रीम है और ये जो हमने वो क्रिस्पी नूडल्स फ्राई किए वो है। तो आइसक्रीम के ऊपर इस तरह से नूडल्स डाल देंगे, वेनिला आइसक्रीम विद हनी फ्लैट नूडल्स।
और इसके ऊपर हम फाइनली डालेंगे हनी। तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसी लगी। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टा आईडी है afreen_999। और आप मुझे अपनी स्टोरी में टैग कर सकते हो अगर मेरी कोई भी रेसिपी ट्राई करते हो।